हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। दोस्तों, एक खबर अभी इंटरनेट पे काफ़ी तेज़ी के साथ फैलती जा रही है कि जिन लोगों ने 99 रुपये के अलावा 303 या 499 रुपये का रिचार्ज नहीं करा था, उनका इंटरनेट रात के 12 बजे से वॉइस कॉल और इंटरनेट फ्री में चलता जा रहा है। तो क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं जिन लोगों ने 99+303 या 499 रुपये का रिचार्ज करवा लिया था? क्या वो बेवकूफ़ हैं? तो सबसे पहली बात ये है कि आप लोग बेवकूफ़ नहीं हो, आप ही समझदार हो, आपको ही आने वाले दिनों में फ़ायदा मिलता जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने रिचार्ज नहीं करा था 99 रुपये के अलावा 303 या 499 रुपये का, उन लोगों का फ्री में इंटरनेट इस कारण चल रहा है कि आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि जिन लोगों ने सितंबर से पहले वेलकम ऑफर लिया था, उनके नंबर पर कुछ स्पेशल ऑफर एक्टिवेट था, तो इस कारण उनका जो इंटरनेट है और वॉइस कॉल है वो फ्री में चलता जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सर्विस हमेशा के लिए फ्री रहेगी। हो सकता है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 10 दिन बाद उनकी सर्विसें बंद हो जाएगी। तो जियो ने अभी डिसकंटिन्यू की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है, इस कारण कुछ लोग बचे हुए। आप एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ लीजिए कि होता है ना कि कभी कभी एक बच्चा स्कूल में खूब पढ़ता है, ट्यूशन खूब पढ़ता है, पढ़ाई में काफ़ी तेज़ होता है, लेकिन उसके बाद भी फेल हो जाता है, और जो बच्चा नहीं पढ़ता वो टॉप कर जाता है या पास हो जाता है। तो उसी प्रकार से अभी जियो की ये कंडीशन है कि जिन लोगों ने रिचार्ज नहीं करा था वो अभी बचे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बचे रहेंगे, उनका नंबर थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगा और उनको आने वाले दिनों में ज़्यादा पैसों में कम डाटा मिलेगा, और जिन लोगों ने रिचार्ज करा लिया था समय रहते वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो यही थी एक छोटी सी अपडेट जियो के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और इस तरह की ढेर सारी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।